ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 10th क्लास केमिस्ट्री में हम अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। देखो, अब तक सिंपल हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस को पढ़ा था, जिसके अंदर सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स आ रहे थे, या एटम्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स ही आ रहे थे, उसको हम बोलते हैं सिंपल हाइड्रोकार्बन। अब देखो, आज हम यूज कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखो, जैसे आपको नाम से लग रहा है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ऐसा कोई भी हेटरो एटम या ग्रुप ऑफ एटम आएगा हाइड्रोकार्बन के अंदर, जो उस हाइड्रो कंपाउंड्स की फंक्शनिंग डिसाइड करेगा, उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा कि उस कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ए हेटरो एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन दैट डिटरमाइन, और हम कहें डिसाइड, दैट डिटरमाइन इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, फंक्शनल ग्रुप ऐसा कोई भी हेटरो एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हाइड्रोकार्बन के अंदर यानी कार्बन कंपाउंड्स के अंदर है, और वो ऐसा इसको फंक्शनल ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वही क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा उस कंपाउंड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। किस पे डिपेंड करेंगी, उस हेटरो एटम्स पे या ग्रुप ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेंगे। देखो, अगर हम फॉर एग्जांपल लिखें कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने, हेटरो एटम्स के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये हेलोजन हेटरो एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं, यानी अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहां हमने फंक्शनल ग्रुप स्टडी करना है, हेलोजन को स्टडी करेंगे हम, एल्कोहल को स्टडी करेंगे, एमीन को स्टडी करेंगे। हेलोजेंस को सिंपली हम डिनोट करते हैं एक्स से। एल्कोहल के लिए सिंबल होता है जब कोई भी हाइड्रोकार्बन के अंदर OH को इंक्लूड कर देंगे हम, और एमीन के लिए यूज करते हैं हम NH2 ग्रुप को इंक्लूड कर दें कहीं भी हाइड्रोकार्बन के अंदर। इस केस में अगर हम बात करें अपने हेलोजन क्या हो सकते हैं, या तो आपको फ्लोरीन नजर आ जाए कंपाउंड में, क्लोरीन नजर आ जाए, ब्रोमीन नजर आ जाए, या फिर आयोडीन। ये क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप, यानी हेटरो एटम्स। आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई हेलोजन अगर दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर वो फंक्शनल ग्रुप है। अब इन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स, सफिक्स याद रखने हमने, क्योंकि इनकी नेमिंग हम स्टडी कर रहे थे अभी। तो नेमिंग में हमने सिंपल कंपाउंड की नेमिंग की थी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे थे। एक ऐसा पड़ा जिसमें ओपन स्ट्रक्चर थी, दैट मींस वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। एक जिसमें रिंग बन गई है, तो प्राइमरी, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अब हम इंक्लूड करेंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो उससे पहले हम फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड इनके लिए जो प्रीफिक्स या नेम या सफिक्स जो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं, देखो, या राइट करते हैं जो हमने लर्न करना है। तो सिंपली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमने स्टडी करने हैं अभी। तो देखो, राइट करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में आपने कौन से राइट करने हैं, क्योंकि हमें कॉमन नेमिंग में मिल जाती है, नेम क्या होगा इसका,
नेम के बाद आपने याद रखना है उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम क्या सिंबल यूज करेंगे उसके लिए। सिंबल के साथ हमने टू टर्म्स यह यूज करेंगे कि उस फंक्शनल ग्रुप के लिए आप क्या प्रीफिक्स यूज कर रहे हो और उसी फंक्शनल ग्रुप के लिए आप क्या सफिक्स यूज कर रहे हो। हम ये फोर टर्म्स यहाँ स्टडी कर रहे हैं। देखो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए टेबल्स के फॉर्म में हम स्टडी करेंगे इसको कि क्या प्रीफिक्स सफिक्स या नेमिंग हम यूज करते हैं। देखो प्राइमरी प्रीफिक्स तो सिर्फ साइक्लो है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी हम उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, या हम ये कहें कि उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे। सफिक्स मीन जो वर्ड रूट के बाद लगाना है हमने, प्रीफिक्स मीन जो वर्ड रूट से पहले राइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम यहाँ राइट करते हैं, हम फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमने स्टडी करना है हेलोजन। हेलोजन के अंदर चार हेलोजन्स को हम स्टडी करेंगे जिसमें से फर्स्ट वन हमने राइट करना है। देखो हम पढ़ेंगे फ्लोराइड, या सिंपली हम इसको अगर बोले तो फ्लोरीन बोलते हैं। फ्लोरीन के लिए सिंबल क्या होगा, कैपिटल एफ, और ये हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करेंगे और हम क्या यूज करेंगे, फ्लोरो। देखो मैं यहाँ पीछे डैश लगा रही हूँ, यानी यहाँ वर्ड रूट जोड़ना है और जिसके आगे लगाएंगे उसको हमने वहां से कनेक्ट करना है। ये इसके लिए अपना सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, हमेशा ही हम इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, तो इसके लिए यहाँ कोई भी सफिक्स नहीं है क्योंकि इसने हमेशा वर्ड रूट से पहले ही रहना है। इसके बाद हम यहाँ यूज करते हैं क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के लिए सिंबल हमें पता है, सी कैपिटल और एल स्मॉल यूज करते हैं। यहाँ हम प्रीफिक्स क्या राइट करेंगे, क्लोरो। वर्ड रूट से पहले राइट करना है हमने, हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे इसलिए कोई सफिक्स इनके लिए नहीं है। इसी तरह से आपने थर्ड वन यूज करना है ब्रोमीन। ब्रोमीन के लिए सिंबल क्या हो जाएगा, बी आर, बी कैपिटल लिखना है, आर स्मॉल आपने, और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसके लिए, ब्रोमो। या हम सफिक्स यूज नहीं करते इनके लिए। इसी तरह से फोर्थ वन जो हेलोजन हमने यूज करना है दैट इज आयोडीन। आयोडीन का सिंबल क्या होगा, कैपिटल आई, और इसके लिए नेमिंग में क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे हम, आयडो। इनके लिए भी कोई भी सफिक्स नहीं है। अब जैसे कोई भी कंपाउंड की नेमिंग करके देखते हैं हम, या हमें लेट कंपाउंड दे दिया है एग्जांपल की फॉर्म में करके देखें हम, आपको एक कंपाउंड दे दिया है लेट CH3F। देखो हमने जैसे नेमिंग के सिस्टम में पढ़ा था कि जब भी हम किसी कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, नेमिंग में सबसे पहले हमने क्या राइट करना है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या राइट करेंगे हम, वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद क्या राइट करना है हमने, सफिक्स। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से हम स्टडी करें, या आपके पहले राइट करेंगे हम प्रीफिक्स क्या है, एफ के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम फ्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास फ्लोरो लिखेंगे। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, मीथ, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, मीथेन। यानी इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, देखो फ्लोरो मीथेन। आपने देखना है जो सब्स्टिट्यूट किया हमने हाइड्रोजन की जगह इसको सब्स्टिट्यूट किया है, यानी सिंपली अगर हम ये कहें या एग्जांपल के फॉर्म में हम ले रहे हैं एल्केन जिसमें जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 था। अब इस दो हाइड्रोजन की जगह यहाँ अगर हम वन कर दें और यहाँ कोई भी आपने इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है, ये एक हाइड्रोजन की पोजीशन ले रहा है,
यानी जब भी आपको कार्बन की संख्या डबल से ज्यादा हाइड्रोजन नजर आए तो हमने एल्केन लगाना है। नेक्स्ट वन देखो, क्लोरो का एग्जांपल लेते हैं। आपको कंपाउंड ये दे दिया अभी C2H5Cl। अब Cl को हमेशा ही हमने प्रीफिक्स की तरह यूज करना है चारों हैलोजन्स को। Cl के लिए क्या प्रीफिक्स है अपना? क्लोरो। दो कार्बन के लिए क्या यूज करना है आपने? एक। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? देखो, क्लोरो इथेन। आपने हैलोजन्स को प्रीफिक्स की तरह यूज करना है, इसलिए पहले किसका नाम लिखेंगे? हैलोजन का। फिर किसका लिखेंगे? कितने नंबर ऑफ कार्बन है वर्ड रूट का। और लास्ट में क्या लिखना है? सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल से ज्यादा है, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट वन देखो, एक और एग्जाम्पल है ब्रोमो का लेके देखते हैं। आपको दे दिया C4H9Br। देखो हैलोजन को पहले राइट करना है हमने, तो सबसे पहले Br के लिए राइट करेंगे क्या आप? ब्रोमो। अब चार कार्बन के लिए पता है हमने क्या राइट करना है? ब्यूट। और कार्बन की संख्या चार, फोर से डबल, एट से ज्यादा हाइड्रोजन है, दैट मीन सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? एन। यानी ब्रोमो ब्यूटेन आपने एक ही साथ लिखना है तो एड अप कर देंगे, यानी नेम क्या हो गया अपना? ब्रोमो ब्यूटेन। ऐसे ही आइडो का एग्जांपल ले लेते हैं। एक लेट आपको दे दिया C7H15I दे दिया। अब देखो सबसे पहले आई के लिए राइट करेंगे हम आइडो। सेवन कार्बन के लिए क्या राइट करेंगे? हैप। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? आइडो हेप्टेन। तो इस फॉर्म में हम डिफरेंट हैलोजन्स को यूज करके, हैलोजन को हमेशा कैसे यूज करना है हमने? प्रीफिक्स की तरह। तो उस कंपाउंड में जब भी नेमिंग करेंगे हम, देखो हैलोजन्स को फर्स्ट राइट करना है, जैसे फ्लोरो राइट किया, क्लोरो है, ब्रोमो है या आइडो है, वर्ड रूट से पहले राइट करेंगे हमेशा। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं हम। सेकंड फंक्शनल ग्रुप हम स्टडी करते हैं। देखो उसके लिए क्या सिंबल, प्रीफिक्स और सफिक्स हम यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ राइट करते हैं, सेकंड फंक्शनल ग्रुप हमने स्टडी करना है एल्कोहल। एल्कोहल के लिए सिंबल क्या होगा आपका? OH। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ रखने हमने। इसको अगर प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे तो यहाँ वर्ड यूज करेंगे हम हाइड्रोक्सी। और सफिक्स की तरह यूज करेंगे तो यहाँ हमने यूज करना है ओल। वर्ड रूट के बाद यूज करेंगे, देखो हमने क्या राइट करना है? ओल। और अगर प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो क्या रहेगा? हाइड्रोक्सी। कब प्रीफिक्स बनाना है, कब सफिक्स बनाना है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। एक बार नोट कर लेते हैं हम। थर्ड वन फंक्शनल ग्रुप हमने स्टडी करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने नेम के साथ सिंबल, प्रीफिक्स, सफिक्स याद करने। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सिंबल क्या हो जाएगा? सी। कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इधर आपने OH जोड़ना है, ये आपको इस फॉर्म में मिलेगा। कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इसी कार्बन से OH, अकेला OH है तो अल्कोहल, और कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH है तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर प्रीफिक्स की जगह यूज करना है तो इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सी। और अगर हमने इसको सफिक्स की तरह यूज करना है तो क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। ओइक को तो वर्ड रूट के साथ जोड़ के लिखेंगे, एसिड को गैप देके लिखेंगे हम। इसी तरह से अगर फोर्थ वन हमने पढ़ना है तो हम स्टडी करेंगे एमीन को। एमीन के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम? NH2। अगर NH2 को हम प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे तो यहाँ यूज करते हैं हम एमिनो वर्ड। और अगर सफिक्स की तरह रहेगा तो स्मॉल लिखना है, AMI, यानी सिंपल एमीन ही लिखेंगे। इसी के अलावा जो हमने स्टडी करना है
वो अपना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अभी? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सिंबल क्या हो जाएगा? देखो, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और डायरेक्ट हाइड्रोजन। कई बार इन दोनों को मिला के इसमें राइट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है हमने। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, तो क्या नाम है इसका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? देखो, अगर हमने एल्डिहाइड्स को यूज करना है ए प्रीफिक्स, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम फॉर्माइल। क्या वर्ड यूज करेंगे हम? फॉर्माइल। और हैज ए सफिक्स यूज करना है तो हमने यूज करना है एल। देखो, अल्कोहल के लिए ओएल है, एल्डिहाइड के लिए एल। इसी तरह से हमने जो फंक्शनल ग्रुप और स्टडी करना है वो देखो कौन से हैं। आपने फंक्शनल ग्रुप के सिंबल सफिक्स और प्रीफिक्स ये याद रखने। किसके लिए कब सफिक्स यूज करेंगे, कब प्रीफिक्स, ये अपने अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे। एल्डिहाइड की तरह एक हम फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं कीटोन। कीटोन के लिए सिंबल क्या हो जाएगा? देखो, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हमेशा दो कार्बन के बीच में मिलेगी, लेकिन जब भी स्ट्रक्चर हमसे पूछे तो हम यही मेंशन करते हैं सीओ। लेकिन हमेशा दो कार्बन के बीच में सीओ ग्रुप नजर आएगा आपको। इसके लिए प्रीफिक्स क्या हो जाएगा आपका? कीटो या कई बार ऑक्सो भी यूज कर लेते हैं। और सफिक्स क्या हो जाएगा इसके लिए? ओन। वन नहीं पढ़ना है हमने इसको, क्या पढ़ेंगे? ओन पढ़ेंगे। इसी तरह से एक फंक्शनल ग्रुप हमने स्टडी करना है, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के लिए क्या सिंबल होगा? देखो, सिंपली आप इसको ऐसे राइट किया हुआ मिलेगा कंपाउंड के अंदर NO2। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, जिसको यहां से हम कार्बन से कनेक्ट करेंगे नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है। इसको क्या बोलेंगे हम? नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के लिए हमेशा प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करेंगे और क्या वर्ड यूज करते हैं हम? नाइट्रोई। इसके लिए कोई सफिक्स नहीं है हैलोजन की तरह। अब इन्हीं से मिला हुआ एक और हम जो याद करते हैं, वो याद रखना है हमने एस्टर। यानी एटलीस्ट 8 फंक्शनल ग्रुप तो हमने याद रखने। वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 10th लेवल में अगर बात करें अपनी क्लास के अनुसार, तो कम से कम ने 8 फंक्शनल ग्रुप तो याद रखने ही है। और 81 याद रखना है हमने कौन सा? एस्टर। एस्टर क्या आंसर हो जाएगा? COOR। R मींस क्या है? कोई भी कार्बन। अब इस R के तो हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, ये जो R है इसके लिए यूज करेंगे हम अल्काइल। एस्टर ग्रुप के अंदर एक ही कंपाउंड में प्रीफिक्स भी होगा और सफिक्स भी होगा। यानी क्या लिखेंगे हम इसमें? एस्टर के लिए ये R ग्रुप जो भी होगा वो प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, और पीछे वाला ये पार्ट है इसको हम सफिक्स की तरह यूज करेंगे और क्या हो जाएगा? ओएट। आपने ये 8 फंक्शनल ग्रुप को याद करना है, कॉपी में मेंशन करेंगे किसको किस फॉर्म में कब सफिक्स बनाओगे, कब प्रीफिक्स बनाना है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपने ये सारे फंक्शनल ग्रुप सिंबल प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ लर्न करने। ओके, थैंक यू।